लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुके बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं कोरोना काल में सैफ अली खान पूरी सावधानी बरतते हुए शूटिंग कर रहे हैं। बता दें कि इन दिनों एक थ्रोबैक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें शर्मिला टैगोर अपने बेटे सैफ अली खान के बचपन से जुड़ी हुई कई बातें साझा करती हुई नजर आई हैं। हालांकि इसमें हैरानगी की बात यह है कि इस इंटरव्यू के दौरान शर्मिला टैगोर ने सैफ अली खान की दूसरी मां का भी जिक्र किया है। जी हां, शर्मिला टैगोर ने बताया कि सैफ अली खान के जन्म के बाद वो फिर से काम में बिजी हो गई थी, जिसके चलते वो सैफ को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। उस दौरान सैफ अली खान की दूसरी माँ ने ही उन्हें पालने पोसने में उनका साथ दिया है, माँ का प्यार दिया और उनके हर सुख दुख में शामिल हुई। शर्मिला टैगोर इंटरव्यू के दौरान बताती हैं कि उन्होंने भले ही सोहा और सबा को अपना पूरा समय दिया हो, लेकिन सैफ के बचपन में उन्हें उतना समय नहीं दे पाई थी जितना कि देना चाहिए था, क्योंकि उस समय वो काफी ज्यादा बिजी रहती थी। जी हाँ, शर्मिला टैगोर ने बताया कि सैफ अली खान के जन्म के बाद वो फिर से काम में बिजी हुई थी, जिसके चलते वो सैफ को वक्त देने में अपने आप को नाकाम समझ रही थी। उस दौरान सैफ अली खान की दूसरी मां ने ही उन्हें पालने पोसने का काम किया था, जिसकी वजह से बहुत सारा काम उनका निपट गया था। वो उनके हर दुख सुख की साथी थी। सैफ की दूसरी मां ने उन्हें पूरी तरह संभाला। बता दें कि सैफ की दूसरी मां का नाम मिसेज नूरानी है, जो कि सैफ को अपनी बेटी की तरह रखती थी। वहीं केवल मिसेज नूरानी ही नहीं बल्कि उनके पति भी सैफ को उतना ही प्यार करते थे। बता दें कि मिसेज नूरानी सैफी महल नाम का एक स्कूल चलाती थी। शर्मिला टैगोर ने बताया कि केवल बचपन में ही नहीं बल्कि मिसेज नूरानी यानी उनकी दूसरी मां ने सैफ के बड़े होने तक उनको संभाला है। वो सैफ के करियर के हर अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा ही उनके साथ रही हैं। उनकी सभी खुशियों में शामिल होने के साथ ही उनके दुखों को भी अपने साथ ही बांटा है। बता दें कि शर्मिला टैगोर हिंदू थीं और उन्होंने भारतीय टीम के कैप्टन नवाब पटौदी से शादी रचाई, जिसके बाद शर्मिला टैगोर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। वहीं तब उनका नाम बदलकर आयशा सुल्तान कर दिया गया था। सैफ के जन्म के बाद शर्मिला टैगोर के फिल्मों से उनका नाता टूटना लाजमी था, और नाता टूटने के बाद ही सब कुछ ठीक हो पाया। तो सैफ अली खान की असली माँ तो कोई और ही है, और तैमूर की भी दादी तो वही हुई ना जो सैफ की है दूसरी माँ यानी नूरानी। आपका क्या ख्याल है जरूर बताएं, ढेर सारे कमेंट करें और अपने सुझाव दें। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।